नमस्कार, मैं सुनीता आपका इंडियन कुक में स्वागत करती हूँ। आज मैं हलवा बनाऊंगी और वो भी सेब के। इसे आप नवरात्रि व्रत के दौरान खा सकते हैं, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। इसके लिए दो सेब ले, ये सेब आधा किलो है। इसे छीलकर कद्दूकस करना है, तो सबसे पहले सेब को छील लेते हैं। सेब छील चुके हैं, अब इसे कद्दूकस कर लें। इसे चारों तरफ से घुमाते हुए इस प्रकार कद्दूकस कर लें। इसे आप कद्दूकस तभी करें जब आपको हलवा बनाना हो, नहीं तो सेब काले पड़ने लगेंगे। सेब कद्दूकस हो चुका है, इसके बीच के भाग को फेंक दें। हलवे में डलने वाली सामग्री को देख लेते हैं। ये सेब है जो हमने कद्दूकस किया था। इसमें डालने के लिए आप 4 चम्मच मिल्क पाउडर ले, 1/4 चम्मच इलायची पाउडर और 1/2 कटोरी पीसी हुई चीनी। अब चूल्हे पर एक कढ़ाई रखें। जब कढ़ाई गर्म हो जाए, इसमें 2 चम्मच घी डालें। घी के पिघलने पर इसमें कद्दूकस किया हुआ सेब डाल दें। सेब डालने के बाद इसके पानी के सूखने तक इसे भूनें। अब सेब का पानी सूख चुका है, इसमें मिल्क पाउडर डाल दें। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो आप इसमें खोया भी डाल सकते हैं। उसके बाद इसमें इलायची पाउडर डालकर 2 मिनट के लिए पका लें। जैसे जैसे आप सेब को पकाएंगे, इसमें धीरे धीरे उजलापन आने लगेगा। अब इसमें पीसी हुई चीनी डाल दें। चीनी आप जैसा खाना पसंद करते हैं उसके हिसाब से डालें। चीनी डालने के बाद हलवा हल्का गीला होगा, इसे आप जितना सुखाना चाहते हैं उतना पका लें। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट काट के डाल सकते हैं। हलवा बन चुका है, गैस को बंद कर दें। अब इसे एक कटोरी में निकालें। कटोरी में निकालने के बाद इसे एक प्लेट पर उलट दें और इस प्रकार कटोरी को हटा दें। चूंकि हमने हलवे में ड्राई फ्रूट नहीं डाला था, तो जब आप इसे सर्व करें, इसके ऊपर ड्राई फ्रूट सजा दें। हलवा बनके तैयार है। इसे आप दीपावली या किसी भी फेस्टिवल में बना सकते हैं। यह रेसिपी बहुत ही आसान है, झटपट बन भी जाती है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।